इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीबीएन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेजबान खलील फरहाद। आज 5 अक्टूबर की अहम और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आरटीसी हड़ताल से आवाम को मुश्किलात, हुकूमत का हड़ताली मुलाजमीन को बरतरफ कर देने का इंतबाह, कहा आरटीसी खिदमात पर मुतबादिल पॉलिसी का होगा जल्द ऐलान। हड़ताल वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तेलंगाना आरटीसी जेएसी का ऐलान। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का हैदराबाद में पड़ा काफी असर, मेट्रो स्टेशनों में आवाम का हुजूम, चलाई गई इजाफी ट्रेन। केटीआर का जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ इजलास, वबाई बुखार पर काबू पाने के इकदाम के अलावा मुख्तलिफ इशूज पर की बात। अगले 2 दिन भी जबरदस्त बारिश का करना पड़ सकता है आवाम को सामना, हैदराबाद समेत तेलंगाना और रायलसीमा में शदीद बारिश की वार्निंग। और मशहूर तेलुगु सहाफी रवि प्रकाश को पुलिस ने दिया हिरासत में, जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में है मुलजिम। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना भर की आवाम नई मुश्किल से दो चार है। जी हाँ, मौके दशहरा का है, दशहरे की छुट्टियों का है, और ऐसे में आवाम को सामना करना पड़ रहा है आरटीसी की हड़ताल का। इस हड़ताल का कैसा रहा असर और आवाम का क्या रहा रद्देमल, देखते हैं बीबीएन की ये खास रिपोर्ट। टीएसआरटीसी का सरकारी महकमे के तौर पर मुकम्मल इंजमाम के अपने असल मुतालबे की यकसुई के लिए तेलंगाना भर में कल निसफ शब से आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की शुरुआत हुई है। बस के लिए घर को जाना है नवाब साहब कुंडा, मगर काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो वालों से बात करें तो ऑटो वाले से बहुत डिमांड कर रहे हैं। मैं पहले कारोबार से परेशान हूँ और ऊपर से ऐसा आरटीसी बस बंद है। हुकूमत को चाहिए कोई दूसरा तो भी इंतज़ाम करना चाहिए, तकलीफ का सामना करना पड़ रहा साहब। ऑटो वाले काफ़ी 150 रुपये दे 200 रुपये दे भर रहे हैं नवाब साहब कुंडा जहनुमा जाने के लिए। मैं बस्तीपुर से आ रहा हूँ, यहाँ पर चढ़ौगी मस्जिद तक पैदल चल लेते हैं, वहाँ से लिफ्ट मांगते हैं लोगों से, मगर अब बहुत तकलीफ का सामना। मेरे को जहनुमा जाना है, 1 घंटे से ठहरा हुआ हूँ, मगर कोई ऑटो वाले भी आने के लिए तैयार नहीं है। आवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए पुलिस की मौजूदगी में आरटीसी बसें चलाई जा रही हैं। मद्देनजर पुलिस डिपार्टमेंट है, रात से ही एक इंस्पेक्टर और सर्जिकल फोर्स के साथ हम लोग फारुखनगर बस डिपो और फरतनगर बस डिपो पे स्पेशल फोर्स लगा लिए। ये बंदोबस्त भी 4 तरह का बंदोबस्त लगा लिए, एक स्टैटिक बंदोबस्त है डिपो, फिर इंपॉर्टेंट जंक्शन एन रूट जंक्शन पर जहाँ पे बस चल रहे हैं एन रूट जंक्शन पे टिकट्स लगा लिए, वैसे फिर एन रूट पे बैटल व्हीकल्स का मूवमेंट पीसीस का मूवमेंट भी विग्रस कराए, फिर यहाँ पे स्पॉट की जरूरत है वहाँ पर स्पॉट भी अरेंज करें। बहरहाल जो पीसफुल एटमोसफियर है पीसफुल चल रहा और ये बंदोबस्त। इस दौरान हुकूमत की जानिब से खानगी बसों की खिदमात हासिल की गई हैं, जबकि आज से आरजी तौर पर आरटीसी में बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के तकरारात भी किए जा रहे हैं। बिफोर टेस्टिंग इन नॉर्म साइज पर ड्राइविंग चलाते नहीं चलाते उसके वास्ते ड्राइवर टेस्ट होने का बाद आप चलाते गाड़ी। हुकूमत ने आरटीसी के हड़ताली मुलाजमीन को आज शाम तक डिपो पर रुजू होने का मशवरा दिया है, बसूरत दीगर उन्हें मुलाजमतों से महरूम कर देने का इंतबाह दिया गया है। दूसरी जानिब आरटीसी मुलाजमीन की जेएसी ने वाजे किया कि आज शाम तक डिपो पर रुजू होने हुकूमत की जानिब से दी गई मोहलत से आरटीसी मुलाजमीन को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, हड़ताल वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तेलंगाना के लिए इतनी जद्दोजहद करें, इतना लड़े हम, एक महीना हम इतना सपोर्ट करें, सुने सुनेरा तेलंगाना आना बल्कि ये सुनेरा तेलंगाना हमारे लिए
खबर के बराबर हो गया। मेन डिमांड ये है कि हम पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है उसको गवर्नमेंट में मिला दो। बोरे आंध्रा में जिस तरीके से मिलाए हैं वही तरीके से यहाँ भी फॉलो करो। बोल रहे हमारा मेजर डिमांड यही है। पूरा स्टाफ आज हड़ताल में है, कोई भी आज ड्यूटी पे नहीं है। कब तक नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट हमारे जब तक हमारे मुतालबात पूर नहीं कर लेती, हमारे जेएसी से जो इंस्ट्रक्शन आए हम उसको फॉलो करेंगे। हमारे जो जेएसी जो बोले हम उसको फॉलो करेंगे। हमारा यही डिमांड है। जो तकलीफ हो रही है इसके ऊपर पब्लिक के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हम नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट बोलते रहते हमारे को, इससे पहले भी कई स्ट्राइक में ऐसा हमारे धमकाए, चंद्रा बाबू साहब भी धमकाए, सब धमकाते रहे, मगर हम कोई इलीगल डिमांड नहीं है हमारा। हम मजबूर होकर हम लोगों का रोड पे आना पड़ा। हमको किसी को तकलीफ देना हमारा कोई मकसद नहीं है। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने वाज़े किया कि रियासती हुकूमत आरटीसी खिदमात पर मुतबादिल पॉलिसी का ऐलान जल्द करेंगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार आरटीसी की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। మీరు యూనియన్ల ఉచ్చులో పడకండి, అలాగే యూనియన్ల అసంబద్ధ డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో విలీనం, ఆర్టీసీని వీళ్ళు ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి, అసలు అది మా విధానమే కాదు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఎన్నికలకు వెళ్ళేటప్పుడు కానీ లేదా ప్రభుత్వం కానీ ఏ సమయంలో కూడా ఆ హామీ ఇవ్వలేదు। अजय कुमार ने कहा कि रियासत हुकूमत इस हड़ताल के पेश नज़र इतवार को आला सतही इजलास मुनाखिद करेगी और TSRTC की मुतबादिल पॉलिसी पर गौर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PBN न्यूज़। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के पेश नज़र मुसाफिरों को मुश्किलात से बचाने के लिए आरटीसी इंतजामिया चौकस हो गया है, जिसने 3000 बसें चलाई हैं। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश शर्मा ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा करीमनगर जिले में 850 में से 330, मुत्तहिदा वरंगल जिले में 797 में से 345, मुत्तहिदा नलगुंडा जिले में 750 में से 164, मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में 624 में से 250 बसें चलाई गई हैं। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के पेश नज़र हैदराबाद मेट्रो रेल के ट्रेनों की तादाद में इजाफा हो गया और आज गैर मामूली मुसाफिरों का हुजूम मेट्रो स्टेशनों पर देखा गया। मेट्रो स्टेशनों में आज तकरीबन 2.5 लाख मुसाफिरों देखे गए, जो मामूल की तादाद से 1 लाख ज्यादा है। इस दौरान मेट्रो इंतजामिया की जानिब से आज 6 ट्रेनों का इजाफा करते हुए ट्रेनों की आमदोरफ्त भी बढ़ाई गई थी। वहीं 100 ट्रिपों का भी इजाफा किया गया, जिससे मुसाफिरों के हुजूम को कंट्रोल करने में मदद मिली। ईरोजु TSRTC स्ट्राइक संदर्भंगा प्रयाणिकुल की इबंध कल अनेक चर्यलु मेमु मेट्रो तीसुकोवडं जरिगिंदी। मुख्यंगा ట్రైన్ల సంఖ్య పెంచి ఒక 6 అడిషనల్ ట్రైన్స్ తోటి నార్మల్గా మేము రోజుకి 710 ట్రిప్పులు నడుపుతామన్నమాట। ఈరోజు అయితే 810 ట్రిప్పులు, అంటే 100 ట్రిప్పులు ట్రైన్ ట్రిప్పులు అదనంగా నడపడం జరుగుతుంది। తర్వాత ట్రైన్స్ మార్నింగే ఈరోజు ఉదయమే 5 గంటలకే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। నార్మల్గా 6:30కి స్టార్ట్ చేస్తాము, కాకుండా ఈరోజు 5 గంటలకే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। రాత్రి కూడా లాస్ట్ ట్రైన్ 11:30కి ఇక్కడ వాటి టెర్మినల్ స్టేషన్స్లో ఒక ఎక్కడైతే బయలుదేరుతాయో అక్కడ బయలుదేరుతుంది। అంటే వాటి గమ్యాన్ని చేరడానికి టెర్మినల్ స్టేషన్స్ చేరడానికి దాదాపు 12:30 అవుతుందన్నమాట। तेलंगाना भर में जारी आरटीसी की हड़ताल का जिला विकाराबाद में भी मिला जुला असर देखने को मिला। विकाराबाद टाउन के बस स्टेशन और बस डिपो के पास हड़ताल के पेश नज़र पुलिस का बंदोबस्त किया गया था। इस दौरान विकाराबाद डिपो की बसें डिपो के अंदर ही महदूद देखी गई। जिला SP नारायणा ने विकाराबाद बस डिपो पहुंचकर हालात का जायजा लिया, यहाँ पर मौजूद पुलिस अहदेदारों से बातचीत करते हुए मालूमात हासिल की। गौरतलब हो कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए विकाराबाद बस डिपो से खानगी बसों को पुलिस प्रोटेक्शन देते हुए चलाया गया।
तेलंगाना भर में आरटीसी की हड़ताल के दौरान आरटीसी बसें चलाने वाले बास खानगी ड्राइवर्स और बसों पर हमलों के वाकयात भी सामने आए हैं। परगी से विकाराबाद आ रही एक बस के ऊपर चंद नामालूम अफराद ने पथराव कर दिया, जिस वजह से बस का शीशा टूट गया और मुसाफिरों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ताहम इस वाकये में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। बाद अज़ां बस को फौरी तौर पर मुसाफिरों के साथ विकाराबाद डिपो मुंतकिल किया गया। బైక్ మీద వచ్చింది ఇద్దరు వెనక చూసిన కొట్టిండే వెళ్ళిపోయింది. ఏదో ఆపి రన్నింగ్ ఫస్ట్ ఆపలేదు రన్నింగ్లో కొట్టిరా రన్నింగ్లో ఎంతమంది వచ్చా ఇద్దరు వస్తూనే ఉన్నారు నిమిషాలు వేరే వాళ్ళు ఏదో ఇట్లా వచ్చేసి ఎవరైనా గుర్తుపడతాం సార్, మేము డ్రైవింగ్ ఉంటాం, మాది మాకే ఉంటుంది, ఏదైనా పబ్లిక్ ఉంటారు కొండవైపు ఉంటారు తప్పితే ఏం చేస్తాం చెప్పు. ఎవరన్నా ఎవరు చెప్పారు కదా కొడుతురు, అది ఇది ఎవరు కొట్టింది? కొడుతుండీ కాదు సార్, వచ్చేసి డాగ్ లేకపోతే వద్దరు, కొడితే కూడా ఏం చేస్తాం, దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు సార్? మాకు డ్రైవర్లకు ఏమన్నా అయితే ఎవరు అవుతారు? పిల్లలు రోడ్ మీద మేమే అవుతాం కదా, దానికి ఎవరు షూరిటీ ఏమన్నా ఉండరా? నీకేముంది అని రెస్పాన్సిబిలిటీ మాకు లేదు, ఎవరు లేరు వెనకాల బ్యాక్ వేసి కొడితే అర్థం పగలేదు, పోయి కంతలకు తగ్గితే మేము అట్లా పడతాం, పబ్లిక్ పోయి గుంతల బండి. బ్రిటన్ మే ఖబరం కా సిలసిలా లగాతార్ జారీ రహేగా, ఫిల్హాల్ రుకతే హై ఏక ముఖ్తసర్ సే వక్ఫే కే లియే.